सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली वेल। तो अभी बस प्लान कुछ ऐसा है कि टाइम हो रहा है 3:45 और अपने को निकलना है तारागढ़ के लिए, कुछ शूट हैं उसके लिए। तो फटाफट वहाँ पहुँचते हैं, नीचे जाता हूँ, रेडी होता हूँ। एक दोस्त आने वाला है, उसके साथ मेरे को वहाँ पर जाना है और वहाँ पर शूट करते हैं। फिर कल का प्लान क्या है वो मैं आपको आके बताता हूँ वापस। तो चलिए तागा। बहुत ही प्यारी जगह है। मेरे साथ महेंद्र है और सामने सनसेट इतना प्यारा हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब देख के क्या प्यारी जगह है। और भाई साहब क्या मतलब फ़ोटो शूट हुआ है ना, वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो कि कैसी फ़ोटोज़ आई। मतलब मज़े ही आ गए फ़ोटो देख के। और कुछ पार्ट फ़ोन से भी शूट कर रहा हूँ मैं, तो अगर ऑडियो क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं आए तो ठीक है ना। वेदर देखो क्या कूल वेदर हो रहा है, क्या प्यारा वेदर हो रहा है। मतलब आना वसूल है भाई, मज़ा आ गया सही में। तो शूट वगैरह हो गया है और घर के लिए निकल गए। आ चुके हैं, खाना वाना सब हो गया, अब टाइम 8 बज चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे को बाइक में पेट्रोल भरवाना है कल राइड के लिए सुबह। और इसकी चेन में एक मतलब ऐसे रस बहुत आ रहा है, तो इसका भी मैं देखता हूँ कहीं पे वो मिल जाए तो स्प्रे, चेन स्प्रे, तो वो भी करा देंगे, चेन स्प्रे भी इस पर। और बाकी तो सब सर्विस तो अभी कराई थी लास्ट टाइम, तो कोई ज़रूरत है नहीं। चलो इसका पहले ऑयल वॉयल डलवाते हैं इसमें, चेन का देखते हैं क्या है। सीन को जैसा है मैकेनिक को दिखाया मैंने, तो उन्होंने बोला कि मतलब चेन पूरी ख़राब हो चुकी है तो चेंज करानी पड़ेगी। तो अब क्या कर सकते हैं, कल सुबह तो राइड पे आना, तो मैंने उनसे पूछा कि जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आराम से चलाना गाड़ी, ज़्यादा तेज़ में चलाना। उन्होंने चलो ठीक है ये वो, तो उन्होंने बोला कल करा देना क्योंकि अभी तो रात हो चुकी है, 8:30 तो बजी गई। तो उन्होंने बोला अभी तो नहीं होगा, कल करा देना शाम को। कल अब देखते हैं, अगर कहीं जाने का नहीं हुआ तो करा देंगे कल ये काम भी। और अभी तो दीपक जी आ रहे हैं हमारे सर जी, तो बस आइसक्रीम खाते हैं फिर निकलते हैं घर, जल्दी सोना भी है ताकि जल्दी उठ जाए। तो देखिए आइसक्रीम खाने आए हैं यहाँ पे ये सर जी हमारे, और मतलब बाइक के कांच तो हेलमेट रखने के लिए है ना सर, इसी के लिए बने हैं भाई, बस यही काम होता अब। बहुत बढ़िया, खाओ खाओ। सो कल का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं और मेरे तीन दोस्त हम लोग शॉर्ट राइड पे जाएंगे एक किशनगढ़ साइड पे। अब वहाँ पे डंपिंग यार्ड वगैरह आया, तो वहाँ पे फोटोशूट वगैरह भी करा लेंगे और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने, और संडे भी है, संडे राइड हो जाएगी, तो बस इसी बहाने चलते हैं। और अभी मैं फटाफट सोता हूँ क्योंकि 11 बज चुकी है और कल सुबह 4:30 बजे उठना है वैसे भी, तो फटाफट सोता हूँ फिर आपसे वापस मिलता हूँ। फुल एनर्जी आ गई अपने में, और अभी टाइम हो रहा है 4:30 सुबह की, तो बस फटाफट रेडी होता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट बाइक पे मिलता हूँ आपसे। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। और अभी थोड़ा फ्रेश मूड है, तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड आएंगे, जब तक क्या करते हैं यहाँ पे पास में थड़ी है वहाँ पे चाय वाय पीते हैं, क्योंकि एक फ्रेंड को आने में भी बहुत टाइम लगेगा, क्या पता 6:30 बजे तक आएगा, और अभी तो 5 बजे है, तो अपने पास 1.5 घंटा है, तो कुछ करके तो टाइम पास करते हैं। तो चाय वाय पीते हैं यहाँ पे थड़ी पे, फिर थोड़ी देर बैठ के फिर निकलते हैं।
सुबह सभी का सीन कुछ ऐसा है, 6:30 बज चुकी है और अब आए दोस्त लोग, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, NH8 पे खड़े हुए अभी। तो अब यहाँ पे मखराना राज पे रुक चुके हैं, अब यहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं, अब यहाँ से डंपिंग यार्ड का कुछ प्रोग्राम बन रहा है तो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे शूट वूट करेंगे, फिर वापस घर निकलेंगे। तो देखिए आप चाय के सिनेमैटिक्स में। तो डंपिंग यार्ड पहुंच चुके हैं और बहुत ही तेज़ धूप है, तो अब देखते हैं शूट वगैरह तो कर रहे हैं, और मतलब लोकेशन में तो मज़ा ही आ गया जो भी है। मतलब मेन गेट से तो अभी जाना अलाउड नहीं है क्योंकि सेक्शन 144 लग रखा है, तो अब देखते हैं, शायद 9 बजे का बोल रहे हैं कि वहाँ खुलेगा 9 बजे, तो अगर जाना हुआ तो वहाँ भी चल जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर शूट वूट कर रहे हैं, तो आप ये लोकेशन देखो कैसी है। वगैरह हो चुका है, क्या प्यारे मजा आया, मतलब लोकेशन तो 3 नंबर है, मतलब बड़े धूप हो रही है लेकिन फोटोज बहुत प्यारी आई, और क्या बोलते हैं, मजा आ गया यहाँ पे आके, पैसा वसूल चीज़ है। अब शाम को कहीं जाने का हो रहा है, वो आपको घर जाके बताता हूँ क्या होता है, बस निकलते हैं घर के लिए, आप बस देखते रहिए। हो चुका है अब यहाँ पे राइड वाइड करके, थोड़ा बैठ गए आराम से, अब पेटीज और कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा रहे पी रहे हैं, तो बस थोड़ा इससे बाद रेस्ट भी मिल जाएगा, फिर यहाँ से बस घर निकलते हैं और रेस्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। सो घर पहुँच चुके हैं और नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं, तो अभी हमारा शाम का पुष्कर जाने का प्लान था वो हो गया कैंसिल, तो अब शॉपिंग पे जाना है क्योंकि मेरे को, तो अभी सबसे पहले तो जो आज फोटोज खींची वो आपको दिख जाएगी इस क्लिप के बाद, और क्या मतलब मज़ा आया ना ब्रो, मस्त चिल, और मतलब इतने टाइम के बाद मतलब घूमने गए हैं दोस्त लोग और मस्त मज़ा आ गया, मतलब फोटोज़ देखो आप, फिर थोड़ी देर में खाना वाना खा के फिर वापस मिलते हैं और चलते शॉपिंग करने। सो अभी ना अपन कैंटा भी लाया है, मेरे को एक ये कोट पैंट ये तो सबसे ज़्यादा पसंद आया है, तो एक ही ले रहा हूँ, और बहुत सारी ड्रेसेस ले रहा हूँ मेरे लिए, तो ये फाइनल है मेरा। बस 6:30 बज चुकी है और शॉपिंग वगैरह सबसे फ्री हो चुके हैं, अब यहाँ पे एक ठेले पर आके खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे पाव भाजी खा रहा हूँ अभी, तो अकेला जब तक मम्मी वगैरह शॉपिंग कर रही है, मेरा काम हो चुका था, मैंने सब शॉपिंग कर ली, तो बस पाव भाजी वगैरह खाते हैं फिर निकलते हैं। सो घर पहुंच चुके हैं, और मतलब मैं आपको एक बार सामान दिखाता हूँ कितना सामान लाए हैं, और मतलब थक तो इतने चुके हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, सुबह से सोया लग नहीं हूँ, गंदा वाला थक चुके हैं, बस खाना वाना खाता हूँ, एडिटिंग बैठता हूँ इस ब्लॉग की और फिर सोते हैं। एक बार आप सामान देखिए जब तक कितना सामान है, ये देखिए इसके अंदर भी अभी आधा सामान तो आया ही नहीं है।
सो गाइस कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, हो सके तो एक लाइक जरूर करना क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल।